दोस्तों आज मैं एक बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर सलाद की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक थोड़ा बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें एक कटोरी स्वीट कॉर्न डालेंगे। इनको मैंने अच्छे से साफ़ किया, 2 से 3 बार अच्छी तरीके से वॉश किया रनिंग वाटर में, और उसके बाद हम इसको एक बाउल में डालेंगे बड़े से। और उसमें डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी एक अनार, इसको मैंने छील के रखा था। सारी चीज़ों को मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसके बाद डालेंगे एक इसमें बारीक कटा हुआ कुकुम्बर, तो सारी चीज़ों को बारीक बारीक काटा है। इसके बाद डालेंगे इसमें आधी कटोरी मूंगफली, ये कच्ची मूंगफली है, इसको मैंने रात भर भिगो के रखा है। 4 से 5 घंटे भी इनफ है अगर आप इसको भिगो के रखेंगे तो। इसको भी अच्छे से वॉश करना है और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर, इसको भी मैंने बारीक बारीक काटा है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको पसंद है सलाद में वैसे आप काट सकते हैं। इसके बाद इसमें आधी छोटी चम्मच डालेंगे चाट मसाला और थोड़ा सा इसमें डालेंगे काला नमक। तो अभी मैं काला नमक ऐड कर देती हूँ, इसमें बहुत सारे मसाले हम नहीं डाल रहे हैं। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, 3 चीज़ें इनफ हैं डालने के लिए और ये सलाद जो है बहुत ही टेस्टी बनेगी, देखना। इसके बाद इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, तो मैं एक बार मिक्स कर देती हूँ। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, बादाम को भी भिगो करके इसमें ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो किशमिश भी ऐड कर सकते हैं तो भी सलाद जो है और भी टेस्टी बनेगी, लेकिन मैंने इन्हीं चीज़ों को ऐड किया है। इसके बाद लास्ट में हम इसमें डालेंगे एक नींबू का रस, नींबू का रस भी मैंने रेडी करके रखा हुआ था। सब चीज़ें पहले से रेडी करके रखे हैं ताकि सलाद बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है लेकिन खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है, अगर आप डेली सलाद खाना पसंद करते हैं तो रोज़ बदल बदल के सलाद खा सकते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, खाने में बहुत ही टेस्टी है, हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।